सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लुनेश कुमार वर्मा। अहम रायपुर जिला अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शशानपुरी मध्य व्याख्याता रूपेण पदस्थोस्मि। अद्य वयं पठामः अष्टम कक्षाया अष्टमः पाठः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति ग्राम्य जीवनम्। प्यारे बच्चों, आप सभी गांव के जीवन के विषय में भली भांति जानते हैं। आज हम महानगरीय परिवेश और ग्रामीण परिवेश दोनों के विषय में भली भांति जानते हैं। नगरों में जिस तरह कोलाहल होता है, जिस तरह शोरगुल होता है, जिस तरह प्रदूषित वातावरण होता है, उस तरह का वातावरण गांवों में नहीं होता है। नगरों की अपेक्षा गांवों का जीवन सीधा व सरल होता है, सुव्यवस्थित होता है। आइए ग्राम्य जीवनम इस पाठ के माध्यम से गांव का जीवन कैसा होता है इसके विषय में जानकारियां प्राप्त करते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वस्तुतः ग्रामाः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। ग्राम्य जीवनम इसका तात्पर्य होता है गांव का जीवन। सुव्यवस्थितम अच्छी तरह से व्यवस्थित। भवति भवति का तात्पर्य होता है होता है। भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। आप जानते हैं भवत भू धातु का रूप भवति भवतः भवन्ति। हाँ, तो ये जो भवति आया है यही है, इसका तात्पर्य है होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति। गांव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि गांव का वातावरण नगरों की अपेक्षा शुद्ध होता है, वहां प्रदूषण नहीं होता है। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम भवति। जैसा वनों में और नगरों में जीवन होता है वैसा जीवन गांवों में नहीं होता है। वस्तुतः ग्रामाः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। वास्तव में गांव वन और नगर दोनों के बीच स्थित है। अर्थात नगर जैसा भीड़ भाड़ गांव में नहीं होता है और वन जैसा सुनसान वातावरण नहीं होता है। वनों में हमने देखा बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षियां होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, किंतु नगरों में लोग रहते हैं, वहां खेती आदि का कार्य संपन्न किया जाता है। तो इस तरह से गांव की जो स्थिति है वह वन और नगर दोनों के मध्य की स्थिति है। ग्रामीणाः प्रायेण कृषि वलाः भवन्ति। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णाः कुल्याः भवन्ति। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कुल्या जलेन तानि सिञ्चन्ति। तत्र बीजानि वपन्ति च। ग्रामीणाः प्रायेण कृषि वलाः भवन्ति। गांव के लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं। कृषि के विषय में आप सब जानते हैं ना, हम जो भोजन करते हैं, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं वह खेती से ही तो प्राप्त होता है। हाँ, आपने देखा है ना खेत। हाँ आप, अच्छा, अधिकांश लोग खेतों से संबंधित हैं। बिल्कुल सही, हमारा भारतवर्ष भी गांवों का देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर ही अधिक आश्रित है। या कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा खेती का है। तो ग्रामीणाः प्रायेण कृषि वलाः भवन्ति। गांव के लोग प्रायः खेती करने वाले होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत्
क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति ते, ते का तात्पर्य होता है वे, यावत् मतलब होता है जब से। तो ते च प्रातः कालात सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। क्षेत्रेषु, क्षेत्र कहते हैं खेत को, क्षेत्रेषु कहते हैं, तो क्षेत्र मूल शब्द है। यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ प्रयुक्त हुआ। इस तरह से क्षेत्रेषु, इस पद का अर्थ होगा खेतों में। किसान जो होते हैं वे, जो खेती करने वाले हैं वे, प्रातः काल से शाम तक क्षेत्रेषु खेतों में कर्म कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। क्षेत्राणि परितः खेतों के चारों ओर वारिना पूर्णाह कुल्याह भवन्ति, जल पूर्ण करने वाले कुल्याह नालियां होती हैं। अर्थात खेतों के चारों ओर जल की आपूर्ति करने वाले नालियां होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, किसान जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वे क्षेत्राणि खेतों को हल से कर्षन्ति जोतते हैं। कर्षन्ति का तात्पर्य होता है जोतते हैं। किसान खेतों को हल से जोतते हैं, अर्थात किसान खेतों में हल चलाते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति, और नालियों के जल से उन खेतों की सिंचाई करते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च, और वहां बीजों को बोते हैं। तो इस तरह से गांव में रहने वाले लोग खेतों को जोतते हैं और वहां खेतों को जल से सिंचित करते हैं, खेतों में बीजों को बोते हैं। कृषि वाला, कृषि वाला का तात्पर्य होता है किसान। क्षेत्र से खेतों में, वारिना वारी मूल शब्द है। यहां तृतीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है, तो इसका तात्पर्य होगा जल से। कुल्याह नालियां, कर्षन्ति जोतते हैं, वपन्ति बोते हैं। ग्रामान परितः सस्य श्यामला धरित्री राजते, परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति, वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः सञ्जातः। ग्रामान परितः, गांवों के चारों ओर सस्य श्यामला धरित्री राजते, गांव के चारों ओर की जो धरती होती वो कैसी होती, इसके बारे में बात की जा रही है। कहा गया कि गांव के चारों ओर का जो वातावरण है, धरती है, वो कैसी होती है, वो हरी भरी होती है। सस्य श्यामला, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब होता है फसलों से हरी भरी, या कहें हरियाली से युक्त। तो गांव के चारों ओर का वातावरण, चारों ओर की धरती हरी भरी होती है। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः, और जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं, वे कैसे होते हैं, वे परिश्रमशील होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। वे धूप में, बरसात में, ठंड में, हर मौसम में खेतों में जा जाकर पसीना बहा बहा कर खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, परिश्रमशीलाः। तो गांव के लोग परिश्रमशील होते हैं, और ऐसा परिश्रम करके धान्यादिकम् उत्पादयन्ति, धान्यादिकम् अर्थात धान आदि अनाजों को वे उत्पन्न करते हैं, अर्थात विभिन्न फसलों का उत्पादन ग्रामीण लोग बहुत मेहनत से करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः सञ्जातः, वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से खेती के कार्य में बहुत से वैज्ञानिक उपकरण जो है किसान जो है उपयोग में लाते हैं। जैसे आप देखते हैं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रीपर, तो इस तरह के बहुत से यंत्र हैं। या कहें जैसे जल का पंप, पानी वाला पंप, ये तो इन सभी उपकरणों की सहायता से किसान जो है खेती का कार्य संपन्न करते हैं। इसी को कहा गया वैज्ञानिकोपकरणा नाम सहायेन, वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से। इदानीं इस समय कृषि व्यवसायः,
कृषि का व्यवसाय, खेती का व्यवसाय लाभप्रद संजाता है, लाभकारी हो गया है, लाभ देने वाला सिद्ध हुआ है। ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम च संगीतेन हृदय प्रसन्न भवति, वृक्षाः निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। ग्रामे सुख हंस मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति, हरिण गो महेश मेषादयः पशवः च चरन्ति। ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम च, गांव के रास्ते में चलने वाले लोग और गोपाला नाम गायों का पालन करने वाले लोग, संगीतेन संगीत से हृदयः प्रसन्नः भवति, गांव के रास्तों में चलने वाले लोगों और गायों का पालन करने वाले अर्थात गायों को चराने वाले लोगों के संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। जब कभी हम गांव जाएं तो वहां गांव में लोग जैसे जाते हैं तो रास्ते में चलते हुए गीत गाते हुए जाते हैं, ऐसे ही जो लोग गायों को चराते हैं वे लोग भी गीत गाते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में दिवाली के अवसर पर राउत नाचा होता है, उस समय राउत लोग क्या करते हैं, राउत जाति के लोग जो होते हैं गायों को चराने में जो संलग्न होते हैं वे राउत दोहा पारते हैं या कहें कि राउत गीत गाते हैं, तो इन गीतों से हृदय जो है प्रसन्न होता है। वृक्षाः गांव में हम देखते हैं स्थान स्थान पर तालाबों में या खेतों में बहुत से वृक्ष देखने को मिलते हैं जो फलदार भी होते हैं, तो वृक्षाः निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। तो गांव में ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये पेड़ जो है निस्वार्थ रूप से फल भी देते हैं और छाया तो देते ही हैं, तो कुछ फल बड़े मीठे भी होते हैं। आप सबने उन मीठे फलों का आनंद लिया है ना? हाँ, बहुत सुंदर। तो अच्छा, कौन कौन से फल आपने चखा है? बहुत सुंदर, आम अमरूद जामुन इमली, क्या बात है। तो इस तरह से बहुत से फलों के वृक्ष हमारे गांवों में होते हैं और ये वृक्ष निस्वार्थ रूप से हमें फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। गांव में सुख, सुख कहते हैं तोता, हंस आपने देखा है तालाब किनारे होते हैं, मयूर, मयूर कहते हैं मोर को, और कोकिलादयः कोकिल कहते हैं कोयल को। जैसे बसंत ऋतु का वातावरण आता है तो बसंत ऋतु में आम के पेड़ों में फूल आते हैं जिसको आम का बौर या मोर कहा जाता है, वो आते हैं अर्थात आम के पेड़ों में मोर आता है और ऐसे आम के पेड़ों में कोयल जो है कूकती है, कोयल का मधुर आवाज गूंजने लगता है। तो गांव में तोता हंस मयूर कोयल आदि पक्षियों की आवाजें जो है गूंजती हैं, अर्थात ये पक्षी जो है वहां कूजती हैं। देखिए पक्षियों की आवाज करने को कूजना कहा जाता है, तो कूजंती पूजते हैं या आवाज उत्पन्न करते हैं। हरिण मतलब हिरण, गो गाय, महिष, महिष का मतलब होता है भैंस, और मेष, मेष कहते हैं भेड़ को। तो हिरण गाय भैंस और भेड़, मेष आदया पशुवः चरन्ति, आदि पशु गांव में चरते हैं, इनको आप गांव में चरते हुए देख सकते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति, गांवों में मनोरंजन का बहुत ही कम खर्च में साधन होता है, अर्थात गांव में मनोरंजन का जो साधन होता है यह बहुत अधिक खर्चीला नहीं होता है। धूल धूसरिताः बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति, धूल धूसरिताः धूल में सने हुए, इसका तात्पर्य हुआ तो धूल में सने हुए बालक खेल खेलते हैं, क्रीडां कुर्वन्ति क्रीडा करते हैं खेल, अर्थात गांव के बच्चे जो है धूल से सने हुए होते हैं लेकिन फिर भी वे ऐसे स्थिति में खेल खेलते हैं, अर्थात खेल खेलते खेलते वे धूल से सन जाते हैं, धूल धूसरित हो जाते हैं फिर भी वे खेल खेलते रहते हैं।
जीवन रक्षार्थम अत्यंतोपयोगिनी वायु जलादि ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा नगरेषु गांव में, गांव और नगर में क्या अंतर है इस बारे में थोड़ी सी बात यहाँ का। जीवन रक्षार्थम, जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है उनमें अत्यंत उपयोगिनी, जो अत्यंत हमारे जीवन की रक्षा के लिए जो अत्यंत उपयोगी है, क्या उपयोगी है? सबसे पहले वायु और उसके पश्चात है जल। ये वायु और जल, हवा और पानी, ये दोनों हमारे जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये दोनों ग्रामीण गांवों में प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते, गांवों में प्रचुर मात्रा में जिस तरह से प्राप्त होते हैं, तथा न नगरेषु, उस प्रकार से नगरों में प्राप्त नहीं होता है। अर्थात गांवों में पीने का पानी शुद्ध मिलता है और वायु भी नगरों की अपेक्षा शुद्ध होता है। परितः, परितः का तात्पर्य होता है चारों ओर। प्रयच्छन्ति देते हैं, कूजन्ति कूजते हैं। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। देखिए यहां इस अनुच्छेद में गांव का जीवन कैसा होता है इसके विषय में बातें बताई जा रही है। तो ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति, ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति, तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विध शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यं नासी यथा अद्यास्ति। ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन सदाचार संपन्नम, सदाचार से संपन्न होता है। अर्थात गांव के लोग जो है सदाचारी होते हैं। धार्मिकम च भवति, सदाचारी तो होते ही हैं, साथ ही साथ धार्मिक भी होते हैं, किसी न किसी धर्म के प्रति उनकी आस्था होती है। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति, और गांव के लोगों का मन जो है निर्मल होता है, वे छल कपट नहीं जानते हैं, सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। अर्थात वे सहज ही किसी पर विश्वास कर लेने वाले होते हैं। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति, और वहां का वातावरण, कहां का वातावरण, हाँ गांव का वातावरण स्वच्छ होता है। जैसे आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, तो गांव का वातावरण कैसा है, बहुत स्वच्छ है। प्राचीन काले ग्रामेषु, प्राचीन काल में गांवों में तथा विध शिक्षालय चिकित्सालय आदि नाम, जिस प्रकार शिक्षालय कहते हैं विद्यालय को और चिकित्सालय कहते हैं चिकित्सा के केंद्र को, आदि सौविध्यम आदि की सुविधा, तो प्राचीन काल में गांवों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा नासी, उस प्रकार से नहीं थी। किस प्रकार से नहीं थी, यथा अद्यास्ति, जिस प्रकार आज है। अर्थात जिस प्रकार आज शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा गांवों में है, वैसा प्राचीन काल में नहीं था। तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः, तर्हि ग्राम्य जीवनम् इतोपि सुकरं सुखकरं च भविष्यति। तदर्थं ग्राम निवासीभिः सम्भूय प्रयत्नः विधेयः। तथापि फिर भी अधुना, अब ग्रामेषु गांव में सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः, सभी प्रकार के सफल साधन उपलब्ध हों। अर्थात अभी गांव में जिस तरह से चिकित्सा एवं शिक्षा की सुविधा है, उसी प्रकार से और भी जो अन्य सुविधाएं हैं, ये यदि गांव में आज उपलब्ध हों, तरही तो ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन इतोपि सुकरम सुखकरम च भविष्यति, इससे भी अधिक सरल और सुखद होगा। अर्थात गांव में अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे विभिन्न दुकानें हैं, दवाइयों की आवश्यकताएं हैं, वाहनों की सुविधाएं हैं, सड़क मार्ग की सुविधाएं हैं, माने आवागमन की जो सुविधा है, ये सभी सुविधाएं यदि आज गांव में हो जाए, तो गांव का जीवन भी सरल और सुखद होगा। तदर्थम
इसके लिए ग्राम निवासी भी संभूय प्रयत्न विधेय, इसके लिए गांव के लोगों के द्वारा संभूय एकजुट होकर प्रयत्न विधेय प्रयत्न किया जाना चाहिए। अर्थात गांव के लोग मिलकर यदि इन साधनों को अपने गांव में लाने के लिए एकजुट होकर मिलकर प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से यह भी सफल हो जाएगा और गांव का जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा ग्राम में जीवन, इसमें हम गांव का जीवन कैसा है, कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने प्राप्त किया। आइए अभी हमने जो पाठ पढ़ा उसके आधार पर कुछ अभ्यास के प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा, अभ्यास करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए उचित क्रिया पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पक्षिणः खाली स्थान, कूजन्ति व कूजति, ये आपको हल करना है। तो देखिए पक्षिणः कहते हैं ये कौन से वचन में है, हाँ ये बहुवचन का है, तो बहुवचन के क्रियापद आपको चयन करना है कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही कूजन्ति। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीणा हलान खाली स्थान कर्षतः कर्षन्ति, क्या आएगा, हाँ यहाँ भी वचन संबंधी है, हलान कहते हैं ये क्या है बहुवचन है, तो हाँ बिल्कुल सही कर्षन्ति सही उत्तर है। मनांसि निर्मलानि खाली स्थान भवति या भवन्ति, क्या होगा बिल्कुल सही हाँ भवन्ति। सकलानि साधनानि खाली स्थान भवे व भवेयुः, सकलानि साधनानि भवेयुः। अगला है, ग्राम्य जीवनम सुखकरम अभवत् व भविष्यति, गांव का जीवन कैसा होगा इसके संदर्भ में प्रश्न है। तो ग्राम्य जीवनम सुखकरम, हाँ पाठ के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है, क्या होगा भविष्यति बिल्कुल सही। आइए मैं आपको कुछ गृह कार्य प्रश्न देना चाहूंगा, आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है, ग्राम में जीवनम कथम भवति। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, ग्रामे प्रायेण जनाः कीदृशाः भवन्ति। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, क्षेत्रेषु जनाः कदा कार्यं कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है, ग्राम में जीवनम सुखकरम कथम भवेत। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा, निम्नलिखित वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हाँ इसका पहला प्रश्न लिखेंगे, गांव कृषि प्रधान होता है। दूसरा है, किसान खेतों में काम करता है। तीसरा है, किसान अन्न उगाता है। चौथा है, भारत गांवों का देश है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। प्यारे बच्चों, हमने गांव के जीवन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां अभी हम प्राप्त की हैं। गांव के जीवन के विषय में आप हिंदी में 10 पंक्तियां लिखेंगे और गांव का जीवन कैसा होता है इसके विषय में अपनी समझ को हम और सुदृढ़ करने में इस पाठ के माध्यम से समर्थ हुए हैं ऐसा मैं मानता हूं। और इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वेभ्यो नमः।